हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम प्योर बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्योर बेंडिंग इक्वेशन की अजम्पशंस क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि प्योर बेंडिंग इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए अजम्पशंस क्या है। पहली अजम्पशन होती है कि जिस बीम पे हम प्योर बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं उसका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो पहली अजम्पशन क्या है, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। जिस मटेरियल पे मैं बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करूंगा उसका मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। दैट मींस उसकी प्रॉपर्टीज, होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए मटेरियल के अंदर। ठीक है, हर जगह पर सेम होनी चाहिए तब उसको होमोजीनियस बुलाते हैं। प्रॉपर्टीज का यहाँ पर मतलब मेनली होता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है वो सभी डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब हम बात किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर होता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये वाली जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी पॉइंट पर सेम होंगी तो होमोजीनियस बुलाएंगे, अभी सभी डायरेक्शन में सेम होंगी तो हम उस मटेरियल को बुलाएंगे आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट अजम्पशन है कि जो मटेरियल है, जो बीम है जिसमें हम बेंडिंग इक्वेशन निकाल रहे हैं उस पर ओनली मोमेंट लगेगा, तभी तो प्योर बेंडिंग हम बुलाएंगे ना। तो इसको हम प्योर बेंडिंग का मतलब है बीम इज सब्जेक्ट टू प्योर बेंडिंग, दैट मीन्स जो शियर का अफेक्ट है वो नेग्लिजिबल मानना है, आपको इग्नोर करना है, कोई अदर फोर्स कंसिडर नहीं करना, ओनली कपल्स, इक्वल अपोजिट कपल्स लगने चाहिए तभी प्योर बेंडिंग इक्वेशन हम ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जो सेक्शन पहले प्लेन था बीम का वो बी बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगा, ऐसा अज्यूम करना है आपको। लास्ट है कि जो बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, जिस बीम को मैं बेंड करूंगा या जिस पे बेंडिंग इक्वेशन निकालूंगा उसका इनिशियल आपको कंडीशन माननी है कि वो स्ट्रेट है। कैसी है, स्ट्रेट। तो अजम्पशन समझ में आ गई आपको, मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक है, बीम प्योर बेंडिंग लग रही है बीम पे, ओनली इक्वल अपोजिट कपल है, कोई अदर फोर्स कंसीडर नहीं करना है, अगर लग भी रहा है तो वो कंसीडर नहीं करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट, जो आपका प्लेन सेक्शन है वो प्लेन ही रहेगा बेंडिंग के बाद, और लास्ट में है कि जो बीम है वो स्ट्रेट है, इनिशियली कैसी है, स्ट्रेट, कोई भी कर्व पोर्शन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको एज्यूम करनी है। ठीक है, तो अब हम ड्राइव करते हैं। देखिए, तो ड्राइव करने के लिए सबसे पहले मैं एक बीम को एज्यूम करूंगा। बीम को एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेनी है, उस पे मैं निकालूंगा और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले देखते हैं, सपोज आपके पास कोई चलिए एज्यूम करते हैं कि ये आपकी ये कोई बीम है। ठीक है, इस बीम पे इक्वल अपोजिट कपल लग रहा है। ठीक है, एम कितना मोमेंट है, एम। अब मान लेते हैं इस बीम में हम सेक्शन लेते हैं, सपोज ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मैं ये जो सेक्शन है वो न्यूट्रल एक्सिस का है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था न्यूट्रल एक्सिस का मतलब होता है जहां पर कोई अफेक्ट नहीं होगा बेंडिंग का, ना तो इलोंगेट होगी ना ही वो कंप्रेस होगी। तो जो ये वाला लाइन मैंने दिखाई है वो न्यूट्रल एक्सिस की है, तो इसको मैं मान लेता हूं, इसका नाम है आर एस।
ठीक है, और एक यहां पर स्ट्रिप हम ले रहे हैं, एक एलिमेंट्री में स्ट्रिप ले रहा हूं, कितनी डिस्टेंस पे, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस। तो आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने, मैंने एक स्ट्रेट बीम को कंसीडर किया जिसके अंदर मैंने एक सेक्शन लिया ए बी सी डी, ठीक है, जहां पर आर एस जो आपकी है वो क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। मैंने न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की जिसका नाम है पी क्यू, क्या नाम है इसका, पी क्यू, ठीक है। अब जब इस पे कपल लगेगा तो कुछ इस टाइप से बेंडिंग होगी, देखिए मान लेते हैं कि मोमेंट के बाद, मोमेंट के कारण जो बेंडिंग है, ठीक है, वो किसी इस टाइप से आर्क है जहां पर एंगल ऑफ बेंडिंग कितना है, थीटा, कितना है आपका थीटा, ये हो गया हमारा। तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ बेंडिंग, एंगल ऑफ बेंडिंग, ठीक है। अब ये जो मेरे सेक्शन है वो बेंडिंग के बाद क्या होगा, ए ए सी क्या बन जाएगा, ए डैश सी डैश, पी क्यू बन, पी क्यू क्या बन जाएगा, पी डैश क्यू डैश, और आर एस क्या बन जाएगा, आर डैश एस डैश, और लास्ट में देखिए बी डी क्या बन जाएगा, बी डैश एंड डी डैश। कॉन्सेप्ट ये है कि जो न्यूट्रल एक्सिस वाली फाइबर है उनकी ना तो लेंथ बढ़ेगी ना घटेगी, उसका मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर समझिए आर एस क्या है, आर एस इज दी न्यूट्रल एक्सिस, या इसको न्यूट्रल सरफेस भी बुलाते हैं, न्यूट्रल सरफेस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस में और न्यूट्रल सरफेस में क्या डिफरेंस होता है। अब यहां पर समझिए कि बेंडिंग होने के बाद जो आर एस है वो पहले भी आर एस थी, अब भी आर एस है। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, डी एक्स, तो आर एस अब बेंडिंग के बाद क्या हुआ, देखिए आर एस इक्वल टू आर डैश एस डैश इक्वल टू डी एक्स। ध्यान से समझिए कि जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले फाइबर्स हैं वो तो कंप्रेस होंगे, उनकी लेंथ घटेगी, और जो इससे नीचे वाले फाइबर हैं वो क्या होंगे, इलोंगेट होंगे, उन पे टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो कॉन्सेप्ट ये होता है बेंडिंग के टाइम न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता बेंडिंग का, ना तो लेंथ उसकी इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, बट जो फाइबर नीचे होंगे, अगर मैं सेगिंग कर रहा हूं तो नीचे वाले फाइबर क्या होंगे, इलोंगेट होंगे, और ऊपर वाले फाइबर है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले फाइबर है वो क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, उनकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो मैं किस पे निकालूंगा, मैं पी क्यू पे, पी डैश क्यू डैश पे, मतलब पी क्यू एलिमेंट्री स्ट्रिप पे मैं स्ट्रेन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन ऑन स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू। चलिए निकालते हैं, तो समझ में आ गया आपको क्या है, देखिए स्ट्रेन ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू, क्या स्ट्रेन होगी, स्ट्रेन क्या होगी पी क्यू पे, देखिए चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी है, पहले कितनी थी बाद में कितनी, तो पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, पी क्यू। तो पी क्यू
इनिशियल पे कितनी थी पी क्यू, बाद में कितनी हो गई पी डैश क्यू डैश, ठीक है। अब देखिए पी क्यू क्या है, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू बराबर है आर एस के, ठीक है। पी क्यू किसके बराबर है आर एस के, आर एस माइनस पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर एस। तो मैंने पी क्यू की जगह पर आर एस लिख दिया, और आर एस किसके बराबर है आर डैश एस डैश, आर डैश एस डैश माइनस पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर डैश। अब ध्यान से देखिए ये आर डैश एस डैश यहां से यहां तक जो है ये मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए आर क्या है आपका, आर इज दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम, ऑफ बीम आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बीम का, बेंडिंग के कारण जो आर्क बनेगी, ठीक है। तो आर्क कहां से कहां तक है, जो हमारा सेंटर ऑफ, ठीक है, किसी आर्क का कोई सेंटर होगा, सेंटर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक जो रेडियस होगी उसी को बुलाएंगे हम क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यहां पर बहुत सारे रेडियस है, एक तो सेंटर से लेके ये सेंटर है आपका, यहां से यहां तक भी एक रेडियस है, यहां से यहां तक भी रेडियस है, बट हमें कौन सी रेडियस लेनी है बेंडिंग में, सेंटर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक जो रेडियस है उसको बुलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, रेडियस कौन सी है, बहुत सारी रेडियस है हमारी, मैं यहां से लेके यहां तक भी ले सकता हूं, यहां से यहां तक भी, यहां तक भी, आपको न्यूट्रल एक्सिस तक लेनी है, उसी को बुलाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मुझे बताइए आर डैश एस डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये आर है ये थीटा है, तो हमें पता है आर इक्वल टू क्या होती है, आर इक्वल टू होती है रेडियस इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग आर डैश एस डैश क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। अब देखिए पी डैश क्यू डैश क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस थी आपकी, ये थी आपकी y डिस्टेंस, तो r में से मैं y माइनस कर दूंगा तो ये वाली रेडियस आ जाएगी, ठीक है। यहां से यहां तक समझ लूंगा p p डैश q डैश तक कितनी रेडियस है, चलो मैं इसको यहां दिखा देता हूं आपको, ये यहां तक कितनी रेडियस है आपकी, ये रेडियस है r माइनस y, कितनी होगी ये r माइनस y, समझ में आ गया। देखिए यहां से यहां तक r है, इसमें से y माइनस करोगे तो कहां तक आ जाएगा r माइनस y, तो r माइनस y इंटू थीटा, ये क्या हो जाएगा p डैश q डैश। तो ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा r थीटा माइनस r माइनस y इंटू थीटा डिवाइडेड बाय r थीटा, ठीक है। तो सभी में एंगल है तो एंगल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आर से आर कट जाएगा आपका, चलो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो इसको यहां पर कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका थीटा से थीटा कट जाएगा, थीटा सभी में कॉमन है, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर प्लस वाई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया वाई बाई आर, कितना आ गया वाई बाई, स्ट्रेन कितनी आ गई आपकी वाई बाई आर, बट स्ट्रेन होती क्या है, अब मैं यहां पर कर देता हूं, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, ये हुक्स लॉ के अंदर रहेगा, जो मोमेंट आप लगाओगे या मोमेंट जो फोर्स लगाओगे वो कहां तक हुक्स लॉ को वैलिड करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, स्ट्रेन क्या हो जाएगी, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सी स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा बी इक्वल टू ई इंटू एप्साइलन, एप्साइलन क्या हो जाएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई। तो जहां पर स्ट्रेन है आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई, तो किसके बराबर आ गया, स्ट्रेन इक्वल टू वाई बाई आर, और स्ट्रेन किसके बराबर है, सिग्मा बी बाई ई। तो इक्वेशन क्या आ गई मेरी,
दोनों को कंपेयर कीजिए आप, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन आपकी टू है. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा बी डिवाइडेड बाय ई इक्वल टू वाई बाय आर, वाई बाय आर. चलिए एक पोर्शन हमारा हो गया है, 50% हमने डेरिवेशन सॉल्व कर दिए. क्या आ गया, सिग्मा बी बाय ई इक्वल टू वाई बाय आर. इसको नोट कर लीजिए आप. तो अभी तक मैंने क्या सिखाया है कि मैंने एक बीम ली, स्ट्रेट बीम ली मैंने, कहीं पर भी कोई कर्व नहीं है. उस बीम के अंदर मैंने एक सेक्शन लिया ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, जिसका डिस्टेंस कितनी है डी एक्स. ए बी सेक्शन लिया, ए बी क्रॉस सेक्शन और सी डी क्रॉस सेक्शन, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है सी डी. जो ये आर एस है उसको मैंने माना न्यूट्रल एक्सिस है. न्यूट्रल एक्सिस मतलब कि जब बेंडिंग होगी तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब भी बेंडिंग करते हैं तो एक ऐसी एक्सिस होती है वहां पर बेंडिंग का कोई असर नहीं होता, बेंडिंग स्ट्रेस वहां पर जीरो होते हैं. तो वो मैंने एज्यूम की आर एस है. आर एस से ऊपर मैंने एक स्ट्रिप ली पी क्यू, एलिमेंट्री स्ट्रिप, और पी क्यू कितने डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे. अब मैंने स्ट्रेन निकाला पी क्यू पे. क्या निकाला, स्ट्रेन ऑन दी एलिमेंट्री स्ट्रिप. जब आप बेंडिंग करोगे तो इस पे स्ट्रेन आएगा. स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो पहले पी क्यू थी और बाद में क्या हो गया पी डैश क्यू डैश, तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाई पी क्यू. मैंने पी क्यू को किसके बराबर लिख सकते हो, आर एस, और ये किसके बराबर है, डी एस के बराबर, ठीक है. तो आर एस किसके बराबर है, आर डैश एस डैश. तो आर डैश एस डैश क्या है हमारा, आर इंटू थीटा, क्योंकि हमें पता है आर किसके बराबर होती है, एंगल इंटू रेडियस. तो मैंने उसके बाद क्या लिखा था, आर डैश एस डैश इक्वल टू आर इंटू थीटा, वो वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी आर इंटू थीटा. उसी तरीके से जो ये है हमारा पी डैश क्यू डैश, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस वाई इंटू थीटा, आर माइनस वाई इंटू थीटा. तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, आर माइनस आर प्लस वाई डिवाइडेड बाई आर. तो किसके बराबर आ गया, वाई बाई आर. स्ट्रेन आ गई एलिमेंट्री स्ट्रिप पे, कितनी आ गई, y डिवाइडेड बाई r. y क्या है, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द स्ट्रेन. जिस ट्रिप पे मैं या जिस जगह पे मैं बेंडिंग निकाल रहा हूं उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होती है y. क्वेश्चन में आपसे दिया जाएगा कि इतनी डिस्टेंस पे बेंडिंग स्ट्रेस बताओ, तो वो डिस्टेंस ही y होती है, ठीक है. देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे तो बेंडिंग स्ट्रेस आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि जीरो होती है, तो वो पूछेगा न्यूट्रल एक्सिस से इतना ऊपर या इतना नीचे स्ट्रेस बताइए, तो वो क्या होगी, वाई. वो कह सकता है कि एक्सट्रीम फाइबर पे बताओ, एक्सट्रीम का मतलब है सबसे ऊपर और सबसे नीचे. तो अगर ये रेक्टेंगल होता तो वाई की वैल्यू कितनी बन जाती, मान लो ये बी है तो बी बाई टू. ध्यान से समझिए, अगर वो कहता है कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द टॉप फाइबर, तो टॉप फाइबर का मतलब है वाई की वैल्यू यहां तक हो जाएगी, ठीक है, बॉटम फाइबर का मतलब यहां तक. तो वो अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो न्यूट्रल एक्सिस आपकी अगर सिमेट्रिक बीम है तो बिल्कुल बीच से गुजरेगी, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो नीचे या ऊपर रहेगी, वो आपको ध्यान रखना है. देखिए मैंने यहां पर सेंटर में दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंटर में होगी, वो डिपेंड करेगा कि शेप कैसी है, ठीक है. मान लीजिए इस टाइप की आपकी कोई बीम है, तो यहां पर आप देखोगे न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगी, तो जहां पर ज्यादा मास होता है वहां पर, मतलब जहां पर इसका सेंट्रोइड होगा वहां पर न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगी आपकी, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को. तो अभी इस वैल्यू को आप इस यहां इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, सिग्मा बी बाई ई इक्वल टू वाई बाई आर. अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल स्ट्रिप पे फोर्स निकालेंगे. क्या निकालेंगे, हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स के बाद मोमेंट निकालेंगे, ठीक है. देखिए मोमेंट, चलिए उसी स्ट्रिप को दोबारा से लिखते हैं,
अभी मैं स्मॉल दिखा रहा हूं इसको, मान लेते हैं स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कितना है डीए, कितना है डीए, जो ये स्मॉल स्ट्रिप हमने एज्यूम की है जिसका नाम पी क्यू है, इसका मैं एरिया मान रहा हूं कितना है डीए, कितना एरिया मान लीजिए आप इसका डीए। अब इस डीए वाली स्ट्रिप पे आपको क्या निकालना है, फोर्स, पहले फोर्स निकालिए, फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन, स्ट्रेस क्या माना था हमने सिग्मा बी, क्या माना था सिग्मा बी, तो वैल्यू क्या हो गई सिग्मा बी इंटू डी ए, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको सिग्मा बी लिखेंगे, ठीक है, क्या एज्यूम करेंगे हम इसको सिग्मा बी। सिग्मा बी इंटू डी ए, और देखिए सिग्मा बी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां इस इक्वेशन से देखिए सिग्मा बी कैन बी रिटन एज सिग्मा बी इक्वल टू ई इंटू आर ई बाई आर इंटू वाई, इस इक्वेशन से देखिए सिग्मा बी को क्या ले सकते हो आप ई बाई आर इंटू वाई, तो लिख दीजिए ये हो गया ई डिवाइडेड बाई आर इंटू वाई इंटू डी, ठीक है। अब ये तो हो गया फोर्स, अब निकालिए मोमेंट, मोमेंट ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इस पे कितना मोमेंट लग रहा है, कितना होगा मोमेंट, क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो ये है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर वाई, ठीक कितनी है वाई, तो फोर्स को वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स कितना है ई बाई आर इंटू वाई इंटू डी ए, ये तो फोर्स है इंटू क्या कर दी है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हमारी परपेंडिकुलर वाई, तो ये क्या हो गया ये वैल्यू आ गई आपकी ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ये फोर्स किस पे है स्मॉल स्ट्रिप पे, अगर मैं टोटल बी टोटल सेक्शन पे निकालूंगा तो क्या होगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, तो अभी तो ये क्या है डीएम है स्मॉल स्ट्रिप पे, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है वो बाहर आ जाएगी आपकी, ये क्या बन गया एम इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर, ये तो कॉन्स्टेंट है अंदर क्या बचा वाई स्क्वायर इंटू डी। अब ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर इंटू डी क्या होता है, ये होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्टेंस स्क्वायर इंटू एरिया, डिस्टेंस स्क्वायर इंटू एरिया जिस जगह पे मैं निकालता हूं, तो ये क्या आ गई आपकी, इसको मैं यहां पर कर देता हूं, चलो यहां पर कर देते हैं रिमेनिंग को, यहां ध्यान दीजिए तो एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका एम विल बी इक्वल टू ई बाई आर इंटू आई, आई आई का मतलब वाई स्क्वायर इंटू डी, तो इसको हम लिख सकते हैं एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वेशन बी। अब देखिए ए और बी इक्वेशन में देखिए क्या है, दोनों में E बाई आर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो आप हल्का सा, इधर उधर ले जाओ इसको, तो इसको आप इक्वेशन ए को क्या लिख सकते हो, आप इस टाइप से लिख सकते हो इक्वेशन ए को सिग्मा बी बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, तो देखिए ये तो इक्वेशन नंबर हमारी ए है और ये इक्वेशन नंबर बी है, तो दोनों को इक्वेट कीजिए आप, इक्वेशन ए दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये एक दूसरे के बराबर भी होंगे, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो क्या आ गया हमारा इक्वेशन क्या आ गई लास्ट में, इक्वेशन आ गई टोटल
टोटल इक्वेशन क्या आ गई हमारी, एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्योर बेंडिंग इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग इक्वेशन। अब ध्यान रखिए, ये इक्वेशन आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब प्योर बेंडिंग लग रही हो, कोई और फोर्स वहां पर नहीं होना चाहिए, ना तो कोई शियर फोर्स हो ना कोई एक्सियल फोर्स हो, बीम पे ओनली इक्वल अपोजिट कपल लगना चाहिए तभी इस इक्वेशन को लगा पाएंगे, क्योंकि प्योर बेंडिंग है, ओनली बेंडिंग होनी चाहिए, कोई और फोर्स कंसिडर नहीं करना आपको। तो मैं आप सभी टर्म्स को एक बार इंडिविजुअली आपको समझा देता हूं कि क्या क्या यहां पर है। देखिए, सबसे पहले समझिए एम क्या है। एम एक्चुअल में मोमेंट जो लग रहा वो नहीं है, ये रजिस्टिंग मोमेंट होता है, जो मोमेंट लगेगा उसको रजिस्ट करने के लिए जो अंदर से मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप बीम पे मोमेंट लगाओगे तो इस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए अंदर से मोमेंट डेवलप होगा, कहां पर, बीम के अंदर, तो रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट होता है। वैल्यू दोनों की सेम होती है, बट ये इक्वेशन में जो मैं यूज करता हूं वो रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट होता है। क्या है एम का नाम यहां पर, इसीलिए इसको एम आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम आर, रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट, और इसकी वैल्यू बराबर किसके होती है, अप्लाइड, जो अप्लाई करेंगे ना हम बेंडिंग मोमेंट उसके बराबर होता है। बट एक्चुअल में कौन सी है, ये रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। आपको जो एग्जाम में आपसे बोला जाएगा इतना मोमेंट लग रहा है तो वही वैल्यू लेनी है, बट पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कौन सी है, मोमेंट जो रजिस्टर कर रहा है जो मेटेरियल के अंदर से, क्योंकि मैंने एलिमेंट्री स्ट्रिप पे लिया था तो एलिमेंट्री स्ट्रिप लगा रही थी, लगने के कारण जो रजिस्टर कितना कर रही थी, जितना उस पर लग रहा था उतना ही मोमेंट वो रजिस्टर कर रही थी। तो एक्चुअल में कौन सा होता है, रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। अब आइए आई, आई क्या होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का नाम क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखिए, और एरिया भी कौन सा, सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एग्जैक्ट नाम होता है इसका सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरह के होते हैं मेनली, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, या तो वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल बोलते हैं या सेकेंड मोमेंट ऑफ, सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ही बात है, बट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, वहां पर मास इंक्लूड करते हैं, यहां पर एरिया की बात होती है। बेंडिंग को एरिया रजिस्ट करता है, मास नहीं करता, जैसा उसका एरिया होगा, जैसी उसकी शेप है वो उसको रजिस्ट करेगा। जैसे बेंडिंग में मैं आपको आगे बताऊंगा कि बेंडिंग डिपेंड, जहां पर बेंडिंग होती है हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्रॉस सेक्शन कैसा बनाना है बीम का, सर्कुलर बनाए, आई सेक्शन का बनाए, स्क्वायर बनाए। तो मैं आगे आपको बताऊंगा जो आई सेक्शन का क्रॉस सेक्शन होता है वो सबसे बेस्ट होता है बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए, क्योंकि एरिया उसका एरिया इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है कि वो बेंडिंग को सबसे अच्छे तरीके से रजिस्ट कर पाता है। ठीक है, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कौन सा है, आई का नाम क्या है, सेकेंड मोमेंट, सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा, ई, ई तो आपको पता है क्या है, यंग्स मॉडुलस। ई का नाम क्या है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो डिपेंड करेगा कि बीम का मेटेरियल क्या है। नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहां से कहां लेना है आपको, न्यूट्रल एक्सिस से लेना है। कहां से लेते हैं इसको हम, न्यूट्रल एक्सिस थे अब, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस वाला। अब आइए नेक्स्ट, सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस।
कौन सा है? बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर? जहां पर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कौन सी फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस, ऑन द टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर, या किसी ऐसी फाइबर जो न्यूट्रल एक्सिस से 2 मीटर mm है, 2 mm दूर है, कितनी भी, जिस पे पूछा जाएगा वो वाली बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वाई। वाई क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जिस फाइबर पे बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस आपको निकालनी है, उसकी न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको बुलाते हैं वाई। उसको क्या बुलाते हैं? वाई। तो सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए हैं कि हमारी बेंडिंग इक्वेशन में सारी चीजें क्या है। देखिए एम को आप एम लिखिए, एम आर आपकी मर्जी, पर आपको पता होना चाहिए एम कौन सा है। रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट दोनों बराबर होते हैं, जितना आप लगाओगे उतना ही अंदर से डेवलप होगा, बट एक्चुअल में वैल्यू कौन सी लेते हैं हम यहाँ पर? एम आर लेते हैं, ठीक है। आई क्या है? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन क्या है आपका। सर्कुलर के लिए अलग होती है इसकी वैल्यू, मान लीजिए अगर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई डी 4/64। उसी तरीके से रेक्टेंगल के लिए अलग होगी, स्क्वायर के लिए अलग होगी, ठीक है। तो हर क्रॉस सेक्शन के लिए आई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, वो डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ई यंग्स मॉडुलस है, वो भी वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल कास्ट आयरन का बना हुआ है, कास्ट स्टील का बना हुआ है, माइल्ड स्टील का बना हुआ है, जिस भी मटेरियल का बना होगा उसकी अपनी ई होती है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस है। वाई क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम दी बेंड फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इसमें। थैंक यू।